सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट हेलिना और सैंट मिसाइल की तरफ से है। हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी ने पिछले साल ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे अटैक हेलीकॉप्टर के पास अभी सुइटेबल एंटी टैंक मिसाइल मौजूद नहीं है, जो कि इनकी कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर रही है। हमारे आर्मी एविएशन क्रॉप के पास अभी जो रुद्र हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और LCH के भी कुछ प्री इंडक्शन यूनिट को अभी आर्मी एविएशन क्रॉप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इन हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अच्छे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ना होने की वजह से इनकी एंटी एमर कैपेबिलिटी फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब DRDO के द्वारा दो बेहतरीन वर्ल्ड क्लास के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप कर लिया गया है, जिनमें से एक हेलिना मिसाइल और दूसरी सैंट मिसाइल है। हेलिना मिसाइल की रेंज लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक है और जल्द ही इसके लिए ऑर्डर भी प्लेस किया जा सकता है। और वहीं पर रिसेंटली DRDO के द्वारा सैंट मिसाइल का भी एक सफल परीक्षण को किया गया है, जो कि 20 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है। और ये दोनों मिसाइल हमारे फोर्सेस में शामिल होने के बाद हमारी कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर बनने वाली है। और अच्छी बात यह है कि 2020 से इन दोनों मिसाइल की मास प्रोडक्शन को भी शुरू किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहली बार एक जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट को आंध्र प्रदेश की एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में कंडक्ट किया गया था और इसका कोड नेम क्रॉसफो 18 रखा गया था। इस एक्सरसाइज को 5, 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था और इसे दिन और रात में कंडक्ट किया गया था। जहां तक बताया गया है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल सफल रहा है और इसमें एक साथ 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया था, जिनमें आकाश, स्पाइडर, OSA-AK-M और IGLA सिस्टम शामिल था। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के चीफ BS धनोआ जी भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जॉइंट मिसाइल फायरिंग ट्रेनिंग की वजह से हमारे मिसाइल स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस काफ़ी हद तक बेहतर बनने वाली है और हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी बेहतर बनने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। एक रिसेंट रिपोर्ट से पता चली है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम अभी इंडियन आर्मी के ऊपर भिम्बर गली सेक्टर में एक मेजर अटैक को लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी इनके साथ मिलकर इंडियन आर्मी के ऊपर स्नाइपर अटैक करने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। बैट टीम को स्पेशली पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज में से चुना जाता है और इनको SSG कमांडोज के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें आतंकवादी भी शामिल होते हैं, जिनको SSG कमांडोज के द्वारा ही रिक्रूट किया जा रहा है। IB की रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान की ISI लड़कियों की मदद से कश्मीर वैली में आतंकवादियों को रिक्रूट कर रहे हैं और इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना अभी स्पेस रेस में एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन को अचीव करने वाली है। कल चाइना की तरफ से एक ऐसा लूनर स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि चांद की डार्क साइड को एक्सप्लोर करने वाला है। कल करीब 2:23 के आसपास चाइना की लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट की मदद से स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें चेंग E4 प्रोब को भेजा गया है और ये आज तक का पहला प्रोब बनने वाला है, जो कि चांद की डार्क साइड में सॉफ्ट लैंड करने वाला है। इसके अलावा इस प्रोब के साथ एक लैंडर और एक रोवर को भी भेजा गया है। ये प्रोब लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, लैंडफॉर्म्स, टेरेन्स और इनकी मिनरल कंपोजिशन के साथ साथ चांद की डार्क साइड के एटमॉस्फेयर को भी मेजर करने वाला है और अगले साल तक अपनी एक ह्यूमन स्पेस स्टेशन को भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगला अपडेट एक बहुत ही चौंका देने वाली अपडेट है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली चाइनीज एयरफोर्स में J20 को ऑपरेशनल किया गया है, लेकिन अभी द स्पुटनिक में एक आर्टिकल आया जिसमें ये बताया गया है कि J20 को अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट की हिल्टन हेड एयरपोर्ट में देखा गया है और अभी जो इमेज आप देख रहे हैं ये वही इमेज है। इस बात को लेके हालांकि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए इनकार कर दिया गया है और वहीं पर चाइना की तरफ से भी इसको लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इस इमेज को 5 दिसंबर को खींचा गया था और इसे खींचने वाले इंसान ने अपना नाम गोपनीय रखने के लिए रिक्वेस्ट किया था। हालांकि जब ये फोटो वायरल हुआ तो कुछ देर बाद जब सैटेलाइट के जरिए वहां पर देखा गया तो उस लोकेशन पर वो प्लेन मौजूद नहीं था। इस बात को लेके अभी काफ़ी सारी चर्चा किया जा रहा है और इसको लेके अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि शायद इसे फोटोशॉप किया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस तरह की कोई दूसरी इमेज भी होनी चाहिए, जबकि इस तरह की कोई भी दूसरी इमेज को इंटरनेट पर पाया नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि ये शायद यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया हुआ एक फुल स्केल ट्रेनिंग मॉडल है, क्योंकि इसकी कॉकपिट और इंजन की नोजल एरिया में ये J20 से थोड़ा सा अलग दिख रहा है।
और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ही डेवलप किया गया था और शायद चाइना ने इसकी ब्लूप्रिंट को कॉपी करके J20 को डेवलप किया है, क्योंकि बीच में ये भी सुनने को आया था कि चाइना ने F-35 की डाटा को हैक कर लिया था और उसी को बेस करके उन्होंने J20 को डेवलप किया है। तो हो सकता है ये वही एयरक्राफ्ट हो जिसकी कॉपी करके उन्होंने J20 को डेवलप किया है। वैसे आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ज़्यादा फिजिबल लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।